अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। और आज फिर कहानी का सेशन, और आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है सही राह। और ये मेरा जो एक कहानी संग्रह है जीवन की मुस्कान, उसी की एक कहानी है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो सुदेश है, एक बच्चा जो कक्षा 6 का विद्यार्थी है। सुदेश क्रिकेट का बहुत शौकीन है और बल्लेबाजी में भी बहुत अच्छा है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है। एक दिन सुदेश की गेंद ख़राब हो गई तो वो नई गेंद खरीदने के लिए बाज़ार गया। वहाँ वो स्पोर्ट्स की शॉप पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर दुकानदार नहीं है। कुछ देर उसने दुकानदार का वेट किया, लेकिन चूँकि दोपहर का समय था, संभवतः दुकानदार खाना वगैरह खाने गया होगा। तभी अचानक सुदेश की नज़र वहाँ पर चमचमाते हुए स्पोर्ट्स कप के ऊपर पड़ी। वहाँ मेडल्स रखे थे, ट्रॉफीज रखी थी, कप्स भी रखे हुए थे। तो उस चमचमाते कप पर जब सुदेश की नज़र पहुँची तो उसके दिमाग में काफ़ी दिन से ये था सुदेश के कि काश मेरे पास भी एक कप होता, मैं उसे अपने कार्निस पे सजाता और आने वाले लोगों को दिखाता। तो उसने सोचा कि आज अच्छा मौका है, दुकानदार नहीं है, मैं इस कप को लेके अपने घर चला जाता हूँ। उसने एक बार इधर उधर देखा, चुपचाप कप उठाया, अपने जेब में रखा और तेज़ कदमों से वो अपने घर की ओर चल दिया। उसके हृदय की धड़कन भी बढ़ गई थी। इसके बाद जब वो घर पहुँचा तो सबसे पहले उसने वो मेडल, वो कप, स्पोर्ट्स कप अपनी बहन, बड़ी बहन को दिखाया और बताया कि वो ये दुकानदार से, दुकानदार नहीं था शॉप पर तो वो दुकान से उठा लाया है। और इसके बाद उसने वो कप जो है अपने कार्निस पर सजा दिया। उसकी बहन ने जब ये सुना कि दुकान से उठा लाया है तो उसने तुरंत ये बात अपनी माँ को बताई। माँ के कान खड़े हो गए, माँ को लगा कि ये तो गलत बात है, इस तरह से सुदेश दुकान से एक कप उठा लाया है। शाम को जब सुदेश के डैडी आए तो माँ ने उन्हें बताया कि आज सुदेश बॉल खरीदने गया था और दुकानदार नहीं था वहाँ पर, तो वो एक कप वहाँ पर था, वो उसे बहुत पसंद था तो वो कप वहाँ से उठा लाया है। ये सुनकर सुदेश के डैडी को बहुत अचंभा हुआ, वो थोड़ा चिंता में पड़ गए। और इसके पहले कि वो सुदेश को कुछ समझाते, तभी सुदेश वो कप लेकर आ गया और अपने डैडी को दिखाते हुए बोला, देखिए डैडी कितना प्यारा कप है ये, मैं गया था स्पोर्ट्स की शॉप पर गेंद खरीदने तो दुकानदार नहीं था तो मैं वहाँ से ये ले आया हूँ। ये सुनकर सुदेश के डैडी को लगा, वो उसे समझाने वाले थे तो उन्हें लगा ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है कि इसने कोई गलत काम किया है। फिर भी उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, जब किसी दुकान पर कोई व्यक्ति नहीं होता है और वहाँ से हम कोई चीज़ बिना पैसा दिए या बिना किसी की जानकारी के वहाँ से उठा लेते हैं तो वो एक प्रकार की चोरी होती है। लेकिन सुदेश की बात, ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी, वो समझने को इस बात को तैयार नहीं था कि उसने चोरी की है। उसने कहा, नहीं मैंने तो यहाँ से उठाया है। खैर उस वक्त तो सुदेश के डैडी चुप रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरह से सुदेश को इस बारे में बताना ही होगा कि उसने ये गलत काम किया है। तो उन्होंने उसकी बहन से कहा कि सुदेश से कहो कि जाके इसके पैसे वो दुकानदार को दे आए। और लेकिन सुदेश फिर भी दुकानदार को कप के पैसे देने नहीं गया। शाम को जब सुदेश खेलने के लिए चला गया तो उसके डैडी उसके कमरे में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर देखा कि उसकी गुल्लक रखी हुई है और गुल्लक में काफ़ी पैसे थे। उन्होंने वो गुल्लक उठाई और ले जाके अपनी अलमारी में रख दी। इसके बाद जब सुदेश खेल कर लौटा तो उसने सबसे पहले उसकी नज़र कार्निस पर पड़ी तो वहाँ कप सजा हुआ था, लेकिन वहाँ से उसकी गुल्लक गायब थी। उसने अपनी बहन से पूछा, यहाँ मेरी गुल्लक रखी थी, वो कहाँ गई? तो बहन ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ने भी बताया कि उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है कि गुल्लक कहाँ है। तब तक उसके फादर भी वहाँ, डैडी भी वहाँ आ गए तो उन्होंने कहा कि बेटा हो सकता है कोई उठा ले गया होगा तुम्हारी गुल्लक। तो वो एकदम भड़क गया सुदेश, ऐसा कैसे हो सकता है,
यहाँ पर मैं हूँ, दीदी हैं, आप हैं, मम्मी हैं, कौन उठा ले गया होगा? तो इसका मतलब किसी ने हमारी मेरी गुल्लक चोरी कर ली है। तो सुदेश के डैडी ने उससे कहा, देखो बेटा, जब तुम्हारी कोई गुल्लक यहाँ से उठा ले गया तुम्हारी बिना जानकारी के, हम लोगों की बिना जानकारी के, तो तुम कह रहे हो कि किसी ने तुम्हारी गुल्लक चुरा ली है। ये बात सुनते ही सुदेश के को लगा कि वास्तव में सही कह रहे हैं उसके डैडी। उसने भी जब दुकानदार की अनुपस्थिति में वहाँ से जब वो कप उठाया था तो निश्चित रूप से वो भी एक प्रकार की चोरी ही थी। तो उसी वक्त सुदेश ने तय कर लिया कि वो अगले दिन जाकर वो कप दुकानदार को लौटा देगा। और रात भर सुदेश को नींद नहीं आई, क्योंकि वो ये सोचता रहा कि उसने इतना गलत काम करा और उसको अंदाज भी नहीं लगा कि उसने ये गलत काम किया है। जब वो कप वहाँ से उठा रहा था तभी उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, तो ऐसा क्यों था? तो अगले दिन ही वो सुबह उठा और वो इंतज़ार करने लगा कि कब 10:30-11 बजे और दुकान खुले और वो वहाँ जाए। खैर, वो वहाँ पहुँचा और दुकानदार को उसने बताया कि 2 दिन पहले उसने जो है ये कप वहाँ से उनकी अनुपस्थिति में उठा लिया था, तो वो इसे वापस करने आया है। दुकानदार ने कहा, बेटा ये बात तुम्हें किसने बताई कि तुमने ये गलत काम किया? तो उसने कहा, डैडी ने मुझे बताया है। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत सही राय दी है, इस प्रकार से किसी की भी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ नहीं उठानी चाहिए। ये कप मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, अब तुम इसे ले जाओ आराम से, अब ये किसी प्रकार की भी चोरी नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। तो सुदेश ने कहा कि मैं इसके पिताजी ने कहा है कि इसके पैसे आपको दे दूं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें एक गिफ्ट कर दिया है और आगे से हमेशा ध्यान रखना कि कभी इस प्रकार की कोई चीज़ तुम नहीं करना। और सुदेश ने कहा कि नहीं, मैं अब कभी किसी प्रकार की भी कोई चीज़ कहीं से नहीं उठाऊँगा, कोई भी किसी प्रकार की भी चोरी नहीं करूँगा। इसके बाद जब वो घर लौट कर आया और उसने अपने कार्निस पर अपना कप रखा, तभी उसने देखा कि वहाँ पर गुल्लक रखी हुई है। तो वो समझ गया कि उसके डैडी ने उसको सही राह दिखलाने के लिए ही उसकी गुल्लक वहाँ से हटाई थी, जिससे कि वो समझ सके कि उसने गलत काम किया है। बच्चों, तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी और इसे तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।